और छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव मरीज बढ़े, दुर्ग में मिला एक और कोरोना का मरीज। छत्तीसगढ़ में कोविड 19 के 9 एक्टिव केस, पॉजिटिविटी दर 0.14% पहुंची। स्वास्थ्य विभाग ने की 702 लोगों की जांच। विभाग ने लोगों से अपील की है मास्क लगाने की। तो दुर्ग में एक और कोरोना का मरीज मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने 702 लोगों के सैंपल्स भी जांचे हैं और छत्तीसगढ़ में कुल अगर बात करें एक्टिव केसों की तो वो 9 हो चुके हैं। तो एक बार फिर से कोरोना का कहर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जिनमें एक्टिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दुर्ग में एक और कोरोना का मरीज सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने 702 लोगों को की जांच की है और ये आंकड़ा बढ़कर जो है अब 0.14% पहुंच गया है। और एक बार फिर से रुक करते विकास की ओर। विकास, प्रदेश भर में एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, क्या जानकारी है? देखिए, सप्ताह भर पहले जो है छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट जांच के लिए जो है जांच बनाई को लेकर जो है समाज जो है प्रदेश जो है जांच सेंटर बैठाए गए और इन जांच सेंटर पर लगातार जांच है। कोरोना के सबसे पहले जो है 5 बैच के सामने आए थे, इसके बाद जो है आज जो है दुर्ग में एक और नया केस है। उसको लेकर जो है शासन प्रशासन जो है काफी हो गए। सरकार जो है कोरोना के नए वेरियंट के लेकर जो है छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से तेजी आ रही है, अभी जो है 0.14% की जो है तेजी जो है छत्तीसगढ़ में है और देश भर में 4,000 से ज्यादा ऐसे मामले जिस के मरीज जो है अभी फिलहाल जो है अस्पताल में एडमिट है। अब छत्तीसगढ़ में वही जो है 9 मरीज जो है कोरोना के वेरियंट जो है अभी भर्ती है। तो इसके लेकर जो है शासन प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को कड़ा निर्देश देने किसी प्रकार की अगर सर्दी खांसी बुखार संबंधी ऐसी कोई बीमारी है तो तुरंत जांच कराए और जांच कराने के बाद तुरंत अगर वो चीजें पॉजिटिव निकल कर आती है तो तुरंत जो है अस्पताल में भर्ती हो जाए। इसके लिए जो है मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय ने शासन प्रशासन सहित स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। बता देना चाहूंगी कि लगातार जो है छत्तीसगढ़ में कोरोना के बाद जो है केस लगातार बढ़ रहे हैं। पहले 5 थे, उससे पहले 3 थे, अब जो है कोरोना के 9 केस हो चुके हैं। तो उसको लेकर जो है नए वेरियंट का जो है जी, स्वास्थ्य विभाग ने 702 लोगों की जांच की है, क्या कुछ निकल के सामने आया और इसके साथ ही क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं? रविवार को भी स्वास्थ्य विभाग ने जो रिजल्ट जांच होती है कोरोना को लेकर जो है वो जांच जो है रविवार को एक ही केस कर रहा है, जिसके बाद जो है सोमवार से पूरी जांच हुई थी। इसके बाद अब जो जांच 702 मरीजों की जांच को लेकर जो है कोरोना के सिम्टम देखे जा रहे थे, जिनमें जो है एक जो है दुर्ग का व्यक्ति जो है पॉजिटिव पाया गया। ऐसे जो है लगातार जो है जांच का जो दायरा है सरकार जो है बढ़ाते जा रही है। जो है कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग का अमल जो है काफी सतर्क है, उसको लेकर ही तमाम जो है जांच हो रही है। बता देना चाहूंगा कि पुराना जो वेरिएंट था उस पर काफी हद तक जो है पूरे देश में कंट्रोल पा लिया गया है, लेकिन जो है नए वेरिएंट का अभी तक सिम्टम और उसपे जो है डॉक्टर जो है उस पर पता नहीं लगा पाए। जो है ऐसे मरीजों की पहचान करके जांच की जा रही है, कोरोना के नए वेरिएंट होने के अंदेशा है जी। इसके लिए आगे जो है गाइडलाइंस सरकार की तरफ से क्या जारी किया गया है? देखिए, सरकार की तरफ से जो है कोरोना से लेकर जो है पहले भी गाइडलाइन जारी किया था, जिसको शिथिल कर दिया था, जिसके बाद से जो है अब 9 केस मिलने के बाद से जो है ये सुविधा ने तमाम जो किसी भी प्रकार की अगर नजर आती है तो जो है और आते हैं तो उसकी तत्काल जांच करके उन्हें अस्पताल में किया जाए और उन्हें बेहतर इलाज से मुहैया कराया जाए। तो इसको लेकर जो है बात हमला जो है पहले से ही सतर्कता के साथ के साथ है और तमाम जो है लोगों को जांच जी। विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।